भाई लिटरली हिला डाला यार। आज तक मैंने ऐसा सिनेमा नहीं देखा। और कैसे सोच लेते हैं भाई ऐसा राइटर, इतना सस्पेंसफुल कहानी कहाँ से शुरुआत करनी है, देन उसके बाद बीच में कैसे दिखाना है, फिर एंडिंग कैसे करनी है, और एंडिंग में वो क्लाइमैक्स का पार्ट, एक एक चीज कैसे हिट करानी है अपनी ऑडियंस को। भाई क्या सिनेमा बनाया है यार अनुराग कश्यप, द मैन ऑफ डार्क सस्पेंशनल मूवी का किंग है भाई ये। इससे बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता है। महाराजा मूवी देख के आए भाई, सर हिला डालेगी ये मूवी आपका। आपको कहानी बीच में लगेगी डम चल रही है कि क्या भाई, मतलब ए भाई कुछ भी कनेक्शन, लेकिन बाबा उस हर एक चीज का वैल्यू है, कैसे कहाँ पर ये सारी चीजें हुई हैं। एक बार के लिए स्टोरी आपका दिमाग घुमा देगी कि यार ये तो स्टार्टिंग का पार्ट था और ये कैसे कनेक्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पार्ट है भाई साहब वही एंडिंग के पार्ट से पूरा कनेक्ट है, और बीच में जो भी दिखाया गया है वो तो खाली स्टोरी को घुमाने का काम है, लेकिन उसका ही बड़ा बड़ा प्यारा रोल है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपको कहानी भी समझ में नहीं आती भाई। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग जो समझ में ही नहीं आ रही थी, बहुत अलग बियॉन्ड द थिंग की ये कहानी चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग इमेजिन करा जा रहा था कि शायद ये हमें कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब बिलीव करा देते हैं। फेक स्टोरी चलती है बीच में, फेक स्टोरी भाई, जिसके पीछे मुद्दा अलग है, जिसके पीछे भाई कहानी अलग चल रही है, लेकिन फेक स्टोरी इतनी बेहतरीन तरीके से, मतलब दो एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे अनुराग कश्यप की तरफ से। अगर डायरेक्शन की बात करूं भाई, चुम्बेश्वरी है यार ये, क्या क्या डायरेक्शन रही है इसकी। दो एस्पेक्ट चलेंगे, दो स्टोरी चलेंगी, जहां पर फेक स्टोरी पे आपको ये डायरेक्टर बिलीव करा देगा कि यार हाँ यही है स्टोरी, और इसके बाद जो जिस चीज के बेस पर ये स्टोरी चल रही है शायद इस पे ये कहानी आएगी और एंड हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, नहीं, उससे बहुत हटके कहानी मिलने वाली है आपको। लास्ट का जो पार्ट होगा ना, दिल दहला जाएगा, रुला के जाएगा भाई, महसूस करा के जाएगा। और यस, अनुराग कश्यप को जाना ही इसलिए जाता है वो डार्क थिंग के लिए। यार ये बंदा मैं कहूँ ना, कितना इंटरनली कनेक्टेड है, कितना दर्द भरा है इसके दिल में, या फिर कितने ऐसे मोमेंट को इसने बहुत क्लोजली देखा है, महसूस किया है, और वो महसूस को भाई वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। पहले तो सोचना, फिर वो इम्प्लीमेंट करना, और एक एक को ऐसे महसूस कराना कि भाई जाने अनजाने में तुमसे कहीं अगर ऐसी गलती हुई होगी तो यार तुम उसे महसूस तो करो, एक बार रिकॉल करो, रिवाइज करो कि ये जो तुमने कहा है वो उसका पोटेंशियल कितना था, उसमें गौर कितना था भाई। वो बहुत, मैं लिटरली यार स्पीचलेस हूँ कि मूवी में क्या देखने को मिला है। जबरदस्त मूवी है, नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना भाई। महाराजा मूवी भाई ऑसम है, जितना भी स्टोरी का पार्ट दिखाया गया है, जो भी एक मैसेज देने की कोशिश करी है वो भी दमदार है, कि भाई जो अपने सोसाइटी में चल रहा है, जो चल रहा है भाई, उसे तुम एक बार महसूस तो करो, क्लोजली फील तो करो, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी गलत चल रही हैं। तो भाई ये चीज़ महाराजा में देखने को मिला है, जो मेरा एक अलग एंगल हो सकता है, जिस हिसाब से मैंने मूवी को फील किया, महसूस किया, वो मैं इसे बता रहा हूँ। लेकिन भाई ये मूवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत ऐसा कुछ हाई फाई एक्शन वैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी पार्ट यहाँ दिखाया गया है एक्शन का वो भी दमदार है भाई। अनुराग कश्यप विलेन का काम कर रहे हैं, और क्या निगेटिविटी इस बंदे ने दिखाई है भाई, आपको नफरत हो जाएगी इससे। लेकिन लास्ट में जो इसकी मौत होगी तो उसे ही समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे मरूं भाई, क्योंकि उसे कोई मौत देने वाला ही नहीं है, कोई उसे ब्लेम करने वाला नहीं है, और उसी के हाथ में उसे छोड़ दिया है, क्योंकि वो जीवित भी नहीं रह सकता, और जीवित रहेगा तो भाई वो घुट घुट के मरेगा भाई साहब। मूवी ऑसम है, इसलिए स्टोरी को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बस इतना थोड़ा सा हिंट देके जाऊंगा कि विजय सेतुपति ऑसम है भाई, क्या दमदार कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, एक बाप का रोल प्ले कर रखा है जो अपने बच्ची के लिए हर कुछ करने को तैयार है। विजय सेतुपति एक जिद्दी अड़ियल बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी ऑसम है भाई, बिना झिझक के जाओ देखो, टाइम निकाल के देखो, मैं तो कहूँगा। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।